तो रूल नंबर वन, एग्जाम्पल में देखो, जरूरी नहीं है कि आपको टॉर्क आर एफ साइन थीटा में आर देगा 10 मीटर, फोर्स देगा 15 न्यूटन, फिर थीटा भी देगा, फिर वैल्यू नहीं, वो आपको वेक्टर में पूछ रहा है, आंसर वेक्टर में दे। तो टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू क्या था, आर क्रॉस एफ। तो टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू यहां पर क्या आएगा, आई कैप माइनस जे कैप एंड के कैप। आर वेक्टर का कोफिशियंट ये रहा, इसका कोफिशियंट ये रहा, तो आई कैप इसे दिस इज -1, बस -1, ठीक। और -1 × -1 इज +1, तो माइनस, फिर से करते हैं एक बार, माइनस जे कैप ही लिखते हैं, माइनस जे कैप, तो 1 × 1 -0। फिर के कैप इसको छोड़ देते हैं, तो प्लस के कैप 1, और इसे करेंगे तो क्या आएगा, प्लस 1। क्लियर? तो के कैप छोड़ेंगे तो 1 × 1 1 -10 +1। तो सॉल्व करेंगे तो टॉर्क वेक्टर आएगा, तो आई कैप जे कैप के कैप में जो भी आएगा आंसर। डॉट क्यों लगाया आपने, क्रॉस लगेगा, पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? फिर से देख लेते हैं, आई कैप इसे छोड़ देते हैं, तो -1 0 -1, माइनस जे कैप 1 -0, राइट, और के कैप दिस -10, ठीक है आंसर। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक?